हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री एज वेल एज फिज़िक्स दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, तो इसीलिए काफ़ी ईजी भी है और ज़्यादा वेटेज भी है। ठीक है, तो इसका वन शॉट देखेंगे। आपके केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का ही आज मैं इशू सॉल्व कर दूंगा, दोनों के ही मुद्दे इसमें लेकर चलूंगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आप नीट के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स या केमिस्ट्री, एम्स या फिर जेई, बिटसेट, ठीक है, किसी भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन के आप जो है आंसर्स दे पाओगे। और बहुत सी चीज़ें हम शॉर्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ही पर्पज़ इसमें मैं सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अगर शेयर नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि इस ऐसी वीडियोस को लाने में, आप तक पहुंचाने में, शूट करने से लेकर आपके आप तक तो डिलीवर करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो जल्दी जल्दी आपको ऐसा कॉन्टेंट फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेगा, और ये आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है और हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली कॉन्टेंट मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये प्यारा सा क्यूट सा हेलो बच्चों ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी जो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन से लेकर आपकी चाहे नीट और जेई दोनों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें आप जो है नीट किस से लेकर जेई, बिटसेट से लेकर सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। इसमें अगर आप अभी जैसे बिटसेट देने वाले हो, या फिर आप मान लो देने वाले हो जेई, है ना, ये एडवांस देने वाले हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप देने वाले हो नीट या एम्स, तो इस केस में आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप यहाँ पर डू और डाई नाम के एक छोटा सा बड़ा सस्ता सा एक कोर्स है, उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो सारे वन शॉट हैं वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, वन शॉट तो वो चीज़ है जो आपकी अलग ही लेवल की है। ठीक है, और बाकी आप जो है इस ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट एंजॉय कर सकते हो। देर आर होल लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट। इसके अलावा 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस ऐप एंड दे आर ऑल आर फ्री विद सॉल्यूशंस, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो। और जल्दी ही ये 20,000 हो जाएंगे, देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा कब ये 1,00,000 हो जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है बहुत सारे लेक्चर्स को भी एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिशन 2020 या 21 में भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स, फुल ईयर की गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ठीक है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर एनालिसिस होगा हर टेस्ट का, जिसमें आप हर चीज़ पता लगा सकते हो, रैंक क्या है, परसेंटाइल क्या है, मार्क्स कितने हैं, एक्यूरेसी क्या थी, टाइम कितना लिया, फिर ब्रेक डाउन एक एक क्वेश्चन का, सॉल्यूशंस, ठीक है, हर चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी, चार्ट से लेकर बार ग्राफ तक हर चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और अमेजिंग ये ऐप है। उसके अलावा अब हम यहाँ पर अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई में और हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि भाई ये जो हमारा, देखो ये मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसलिए मैंने ये यहाँ पर इमेजेस आपके लिए डाली हैं जिससे आप जो है इनको जल्दी जल्दी समझ लो। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में छोटी छोटी बातें, जे जे थॉम्सन ने डिस्कवरी करी, गोल्डस्टीन ने करी, चैडविक, नेचर ऑफ चार्ज सब जानते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की। अमाउंट ऑफ चार्ज आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है, ये जीरो होता है। मास आपको याद रखना है, 9.1 × 10⁻³¹ kg। 1.672614 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1.67 याद रखिए और इतने kg। और देखो न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, देखो सिर्फ थोड़ा सा, 492 है, इधर आपका 26 है ना, है बस इतना सा फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या बला है, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आपकी एक कैथोड रे ली जाती है जो आपकी ग्लास का एक ट्यूब होता है, उसमें दोनों साइड में आप इलेक्ट्रोड लगा देते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर आप कंडीशन बना देते हो, वहाँ पर करंट फ्लो जब हम करते हैं तो देर आर होल लॉट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जो उस ट्यूब में आपकी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं, और इन्हीं को हम कैथोड रेज कहते हैं, यानी कि आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और आपका यहाँ पर जब ये आपका इस तरीके से देखा जाता है तो कैथोड रे आपकी ग्लास ट्यूब के एक दूसरे एंड पर स्ट्रक हो गई जो आपको वहां पर दिखा, और इसी तरीके से आपका ये यहां पर आपकी डिस्कवरी हुई। किस चीज की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यहां पर रेज जो अट्रैक्शन की वजह से यहां पर हमें चीजें पता चली। अब यहां पर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ मतलब जो रिजल्ट हैं इसके देख लो, वो क्या है, कैथोड रे आपकी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे खुद आपकी नॉन विजिबल हैं, ठीक है, लेकिन उनका बिहेवियर आप फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल में ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो यहां पर लिखा भी है, ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग वाज डेवलप्ड, ठीक है ना।
अब यहाँ पर है कि कैथोड रे आपकी देम सेल विजिबल नहीं है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, अगर ये दोनों फील्ड नहीं है तो कैथोड रे आपकी सीधी चलती हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इनका बिहेवियर आपका इलेक्ट्रॉन की तरह ही रहता है और इसीलिए हमने यहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन कहा है। अब उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कैथोड रे की, वो आपकी मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने बताया था और चार्ज टू मास रेशियो किसी भी इलेक्ट्रॉन का इतना होता है। अब आप देख ही सकते हो, ये तो निकाल ही सकते हो, वी नो द चार्ज एज वेल एज द मास, ठीक है। अब उसके बाद चार्ज इलेक्ट्रॉन का आर ए मिलिकन ने बताया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो मैंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस कराए थे, तो आपको शायद वो एस सी एफ लेने वाला क्वेश्चंस आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है। कमेंट में बता दीजिए कि सर मुझे पता है। द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस, हम सब लोग जानते हैं, और बाकी सारी चीज़ें वो छोटी छोटी मास वगैरह की बातें हैं। उसके बाद आपका प्रोटॉन और कैनल रेज के बारे में देख लो, ये जो है मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब थी, ठीक है, मतलब कैथोड रे जो था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके किया गया और यहीं से हमें प्रोटॉन के बारे में पता चला। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो आपका गैस पे डिपेंड करता है और आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो गैस का नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये लिखा हुआ है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपके, देखो ये सारी चीज़ें ना आपके लिए एम्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, बाकी सब तो कुछ काम आपके नहीं आने वाली है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपकी मल्टीपल फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। बिहेवियर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट फॉर कैथोड रेज, जो आपका इलेक्ट्रॉन वाली रेज थी उनके अपोजिट होता है, होना भी चाहिए, हम जानते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव। न्यूट्रॉन आपका डिस्कवर किया था चैडविक ने, ठीक है, बाई बॉम्बार्डिंग थिन सीट ऑफ बेरिलियम, ओके। तो यहाँ पर आपका ये अल्फा है ना, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सब लोग जानते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन, ध्यान रखना एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है, मास नंबर प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है किसी भी न्यूक्लियस में, ठीक है। इसके बाद बड़ा खतरनाक और मजेदार एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पर एटम के बारे में जान, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये जो चीज़ थी वो इलेक्ट्रॉन के लिए थी, ये आपकी सॉरी ये वाली जो चीज़ थी वो प्रोटॉन के लिए थी, न्यूट्रॉन के लिए थी। अब हम एटम पर आ रहे हैं, तो एटम में सबसे बेसिक मॉडल है थॉमसन का। थॉमसन ने कहा कि भाई, थॉमसन ने ऐसी हाइपोथेसिस दे दी, मतलब थॉमसन ने ऐसी हवा में बातें कर दी, उसने ये कह दिया कि भाई जो हमारा एटम है वो आपका किसकी तरह है, देखो एटम मतलब एटम इस तरीके से है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, इसमें बीच बीच में नेगेटिव चार्ज आपने डाल दिया, इस तरीके से उसने बता दिया, ठीक है। तो ये जो मॉडल है वो ये कहता है कि एटम में आपके यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में एम्बेडेड हैं, ठीक है। तो ये जो थॉमसन का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर था वो मास ऑफ एटम जो है इवनली स्प्रेड है एटम के अंदर, उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर जो है मास आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि जो ज़्यादातर कंसंट्रेशन होता है वो न्यूक्लियस पर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका मॉडल वैसे भी फेल हो ही गया था। थॉमसन मॉडल जो है उसको प्लम पडिंग मॉडल कहा गया, रेजिन पडिंग वाटरमेलन, क्योंकि वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन है ना, तो उसके अंदर आप देखो ब्लैक ब्लैक कलर के जो सीड होते हैं वो बीच में एकदम एम्बेडेड होते हैं, तो वो नेगेटिव की तरह हो गए और जो बचा हुआ पोर्शन है वो पॉजिटिव की तरह हो गया, तो इस तरीके से, ओके। और ये कुछ भी एक्सपेरिमेंटल नहीं था, थ्योरेटिकल था, तो ये तो फेल हो गया। फिर उसके बाद आपका आया यहाँ पर रदरफोर्ड वाला, जो काफ़ी ज़्यादा आपका कैसा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें न्यूक्लियस वगैरह के बारे में पता चला। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड निकल गए थे, आपको याद होगा, ठीक है। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था यार कि अगर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो यहाँ पर ये सब खाली है और ये आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल से, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, इससे क्या पता चला कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल आपका 180 डिग्री पर टर्न हो गया, तो इससे क्या पता चलता है कि न्यूक्लियस बहुत 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 ज्यादा छोटा है, ठीक है। अब कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट हमें क्या मिले कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड निकल गए तो मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर जगह खाली है, जबकि थॉमसन ने बताया कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अलावा कुछ अल्फा पार्टिकल आपके कुछ एंगल पे वापस चले गए, मतलब पॉजिटिवली मास आपका एटम में प्रेजेंट है। कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन कर गए, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज मास है वो आपका बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करे हुए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, ये आपका जो एटम मॉडल था उन्होंने दिया अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। इन्होंने कहा कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस होता है और जो बहुत छोटे वॉल्यूम के अंदर है हम सब जानते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर,
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक भी थे। रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में, तो क्या होगा एक टाइम बाद क्या होगा कि आपका वो जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी यहाँ पर लॉस करता जाएगा और न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा, और इस तरीके से तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि एटम स्टेबल ही नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं हर चीज़ एटम की बनी है और एटम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चीज़ होती है, तो ये मॉडल भी फेल हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज जिसमें आपके प्रोटोन बराबर होते हैं। देखो आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ, आपको आगे से कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। मैं इस तरीके की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन ही आगे ना हो। जैसे जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें आप देखो क्या आ रहा है, उसमें आपका आ रहा है पी। ये आइसोटोप्स आपके सेम प्रोटोन वाले, सेम प्रोटोन। अच्छा, सेम प्रोटोन का मतलब सेम एटॉमिक नंबर है ना। तो ऐसे कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग अलग हुए है ना, जैसे आपका हाइड्रोजन के लिए हो गया ओके, तो ये आपका ड्यूट्रियम, ये आपका ट्रिटियम ओके। तो जैसे कार्बन के लिए कार्बन 6 वाला या कार्बन आपका 14 है ना, इस तरीके से। मतलब देखो एटॉमिक नंबर सेम है 6 है ना। नाइट्रोजन के लिए हो सकता है, तो इस तरीके से आपका ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आइसोबार्स के बारे में देख लो। आइसोबार्स क्या है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिसमें सेम मास नंबर होता है। मास नंबर मतलब क्या? आपका मास नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस अगर आप न्यूट्रॉन में प्रोटॉन जोड़ दो तो वही मास नंबर होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल कार्बन 614 वाला और आपका नाइट्रोजन 714, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो ए, देखो ये हमारा मान लो जेड हमारा ये सॉरी अगर मान लो एक्स हमारा एलिमेंट है तो जेड एटॉमिक नंबर है और ए मास नंबर है। तो ये जो मास नंबर होता है ना, ये आपका बेसिकली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम के बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा एटॉमिक नंबर है और न्यूट्रॉन हमारे कितने हैं 7, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 14, या फिर 14 में से 6 घटाओ तो 7 न्यूट्रॉन आए, इसमें से 14 में से 7 घटाओगे तो भी आपके यहाँ पर इसको आप जो है सेम मास नंबर की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। तो 14 में से 7 गए तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा जो है ये हमारा 8 आएगा तो ये 7 आएगा। तो मतलब मुद्दा क्या है, यहाँ पर हमारा ये जो 14 है ये नंबर सेम है, तो मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम, देखो 8 और 6 14 होते हैं, 7 और 7 भी 14 होते हैं, ठीक है ना, तो इनका सम बराबर आ रहा है। अब यहां पर ऐसे कुछ होते हैं जिन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स में आप देख सकते हो क्या आ रहा है, आइसोटोन्स में एन आ रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे जिनमें न्यूट्रॉन के नंबर सेम है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट का एग्जाम्पल जैसे कार्बन 14 या नाइट्रोजन, ठीक है, या ऑक्सीजन मान लो। तो इस तरीके से ये तीनों एलिमेंट आइसोटोन्स हैं एक दूसरे के। देखो 14 में से 6 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 16 में से 8 गए 8, तो न्यूट्रॉन के नंबर सेम है, ठीक है। अगले होते हैं आइसोडाइफर्स, ठीक है ना। तो आइसोडाइफर्स क्या चीज़ होती है? आइसोडाइफर्स ऐसे होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें एन माइनस पी का रेशियो, मतलब एन माइनस पी की वैल्यू, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन की वैल्यू आपकी सेम होती है, इसको हम आइसोटोपिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कार्बन 14 है ना, या फिर आपका बेरिलियम है ना, तो इस तरीके से आपके अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें जैसे आप देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटीन, तो न्यूट्रॉन देखो प्रोटॉन तो 6 हो गए और न्यूट्रॉन 14 माइनस है मतलब 8, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे। अच्छा, इसमें आपके प्रोटॉन तो 4 हो गए लेकिन न्यूट्रॉन 10 में से 4 गए तो 6, यानी कि 2। देखो 2 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके के एलिमेंट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सब जान ही चुके होंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, सबसे फेमस मैं बता दे रहा हूँ, जैसे N-3, O-2, F-। देखो नाइट्रोजन में वैसे तो 7 होते हैं लेकिन इसमें 3 और आ गए तो 10 हो गए। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 और जुड़ गए तो 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 1 जुड़ गया तो 10 हो गए, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब एक और होते हैं काफ़ी फेमस जो लोगों को नहीं पता रहते, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता रहते लेकिन आपको पता होने चाहिए, आइसोस्टर। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना मैंने कहा मॉलिक्यूल, अब की बार मैंने स्पीसीज नहीं कहा है, मैंने कोई एटम नहीं कहा है, मैंने कहा है मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एटम है। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम होने चाहिए, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका N2O मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो देखो एटम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी एटम 3 है, ये नंबर है आपका एटम्स का।
ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो, अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, देखो कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8, 8 × 2 मतलब 16, आंसर आया 22। इसमें देखो नाइट्रोजन में 7, 7 × 2 = 14 प्लस 8 यानी कि 22। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प वर्क होने वाली है। अब हम थोड़ा सा ना असली फीलिंग में आएंगे, मतलब असली आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी फीलिंग आएगी आपको फिजिक्स वाली, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तभी हमारी फीलिंग आती है, अभी सब थ्योरेटिकल था, ये थ्योरेटिकल बताना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि आपको जो है हर चीज़ बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ना काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ एक, तो आपको जो है मज़ा आएगा, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका सबसे पहले बड़ा सिंपल कर लेते हैं पहले, है ना। एक्स माइनस टू आयन है मान लो हमारा, अब इसमें हमारे मान लो 20 न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, केमिस्ट्री में मान लो आया 20 न्यूट्रॉन 18 प्रोटॉन, ठीक है। तो आपको पूछा गया कि बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ठीक है। लेकिन किसके लिए, फॉर एक्स प्लस टू आयन के लिए, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है x माइनस टू आयन के लिए, आपको x प्लस टू आयन के लिए बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, प्लीज़ लेट मी नो, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ क्या है सब लोग प्लीज़ कमेंट्स में। तो आई होप आपने बता दिया होगा। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, x माइनस टू है ना, तो x माइनस टू के लिए हमें दिया गया है और x प्लस टू के लिए हमें निकालना है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को बिना नेगेटिव मार्किंग के करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप क्या करो, x माइनस टू पर पहले लिख लो प्रोटॉन कितने हमारे 18 है ना, और हमारे न्यूट्रॉन दिए गए थे 20। तो आप क्या करो, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लो न्यूट्रल एटम में, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है ना, फिर नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं हो सकती है, नहीं तो नेगेटिव होने के पूरे चांस हो सकते हैं। देखो जब भी आप इसको न्यूट्रल करोगे तो प्रोटॉन हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी हमेशा यहाँ पर सेम रहने वाली है, लेकिन चेंज किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन में। अभी देखो प्रोटॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैसे तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, लेकिन आपके दो और आप ले आए तो ये आपके कितने हो गए, तो ये आपके जो हो गए वो हो गए आप 20। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, क्यों, क्योंकि दो आप हटा चुके हो, माइनस दो का मतलब क्या है, आपने माइनस दो लिए थे। अब आपको पूछ रहा है x प्लस टू के लिए, तो बता दो जल्दी से, हालांकि आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे पर डायरेक्ट करने से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नेगेटिव होने के, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, नेगेटिव ना होना चाहिए हमारा, चाहे 2 सेकंड फालतू लग जाए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन 18 हैं, ठीक है, ये तो चेंज होंगे नहीं, ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन हमारे चेंज होंगे नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि दो आप प्लस में ले आए हो, मतलब माइनस चले गए दो यहाँ से, एटॉमिक नंबर हमारा 18 हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन के बराबर है, और हमारा मास नंबर 38 हो जाएगा, है ना, कि न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन आपके 20 है टोटल और आपके प्रोटॉन 18 हैं, तो मास नंबर इन दोनों के सम को ही कहते हैं, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही मास नंबर कहते हैं, मतलब जो भी आपका न्यूक्लियस के अंदर है ना एलिमेंट उनके नंबर को ही मास नंबर हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी हम कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका X2-2 आयन है मान लो, उसके लिए हमारे प्रोटॉन की वैल्यू है 40, ठीक है, और आपका जो मास नंबर है वो है हमारा 100। तो आपको बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ x प्लस थ्री आयन। ये मैंने क्वेश्चन जो है इसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री प्लस मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी ऐड कर दिया है, तो आपको इसमें डबल बेनिफिट होगा, ठीक है, तो इसमें आपको डबल सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करें जल्दी से और आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से नीचे कॉमेंट्स में, आपके लिए कॉमेंट बॉक्स खाली है, कोशिश करो। चलो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जो है इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से क्या हो सकता है। देखो सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो हम म्यू से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये होता है Nn+2, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है हमेशा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका किसी भी एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर आपका अगर आपको पता हो तो आप बोर मैग्नेटॉन यानी कि आप इजीली ही मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर जाओगे। अब हमें करना क्या है, हमें जो है कैसे भी करके x प्लस थ्री आयन बनाना है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है बस। तो ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको करना है। चलो अब यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखो सबसे पहले x2 माइनस 2 को किस में बदलोगे, न्यूट्रल एटम में, क्योंकि ये मैंने आपको कहा है अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो।
प्रोटॉन कितने हैं, देखो इसमें जो प्रोटॉन थे वो 40 थे, तो अगर आप एक्स टू की जगह एक्स कर रहे हो तो प्रोटॉन आधे रह जाएंगे जो 20 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो एटॉमिक सॉरी मास नंबर हमारा 100 था तो अब मास नंबर हमारा कितना रह जाएगा 50, तो इसका मतलब आपके न्यूट्रॉन हो गए 30, 50 में से 20 गए तो 30 बचे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे कितने रहते, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगर प्रोटॉन 40 है तो -2 यानी कि 42 हो गए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर 42 है लेकिन आपने क्या किया -2 यानी कि अब की बार आप इसको पहली बात तो इलेक्ट्रॉन आधे हो गए, ठीक है, और साथ में आपका ये -2 भी गया, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो यहाँ 40 बचे और 40 का आधा हो गया 20। अब ठीक है, अब यहाँ पर X3 में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया X+3 में। अब क्या करना है, X+3 में जैसे कन्वर्ट किया तो प्रोटॉन तो हमारे सेम रहेंगे, हमारा न्यूट्रॉन भी सेम रहेंगे, हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 कम हो गए मतलब 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ही खेल था पूरा का पूरा। अब देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अगर 17 हो गए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 17 नंबर के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, 2s2 2p6 3s2 3p6, बस इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखते जाना है। तो यहाँ पर 17 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, फिर देखो 2s2 के बाद क्या आता है 2p6, ठीक है, ऐसे ही 3s2। अब हमारे कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 12, 5 इज रिमेनिंग यानी कि 3p5 हो जाएगा। तो हमारा ये जो p में कितने हो गए, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल 1 है, यानी कि हमारा जो यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो होगा हमारा n n+1, है ना, n+2 है ना, n+1 नहीं होगा, है ना, n+2 और अंडर रूट, तो हमारा इतने बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो n की वैल्यू 1 है, 1+2 और ये हो जाएगा हमारा 3 3 3 और ये हो जाएगा हमारा √3 बोर मैग्नेटॉन, या फिर आप कह सकते हो 1.7 और 3 इतने बोर मैग्नेटॉन, है ना, √3 की वैल्यू आप पुट कर दो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है। तो इस क्वेश्चन से हमारे दो पर्पज़ सॉल्व हुए। पहला पर्पज़ जो सॉल्व हुआ वो हमारा सॉल्व हुआ आपका इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में जो है मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूले को भी देखा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा एवरेज एटॉमिक वेट। तो एवरेज एटॉमिक वेट ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक वेट का, यहाँ पर एटॉमिक वेट की बात हो रही है आइसोटोप्स की, तो एटॉमिक वेट अगर आप देखें तो एटॉमिक वेट हो जाएगा हमारा m1x1+m2x2, है ना, इस तरीके से आपका डैश डैश डैश, और नीचे आपका जो आएगा वो x1+x2। अब ये एक्सपेक्ट क्या है वो सब मैं अभी बता देता हूँ। देखो बेसिकली यहाँ पर किस एटॉमिक वेट जो आप निकाल रहे हो उसमें ये जो आपका m है वो मास नंबर है किसी भी आइसोटोप का, दिस इज मास नंबर ऑफ आइसोटोप, ठीक है ना, दिस इज मास नंबर ऑफ आइसोटोप। और x जो है वो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है इन नेचर, दिस इज परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इन नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका x है वो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप हो गया नेचर के अंदर, ये मास नंबर ऑफ आइसोटोप है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर आपका हैंडल करेंगे। तो मान लो क्वेश्चन हमने दिया कि क्लोरीन के हमने आइसोटोप लिए, है ना, इस तरीके से एक 35 का लिया और एक हमने 37 वाला लिया। तो इस तरीके से हमने इसका मास नंबर लिया, इसका मास नंबर लिया। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ने कहा कि ये जो आपका क्लोरीन है वो 75% नेचर में पाया जाता है, ठीक है, और ये जो है आपका क्लोरीन है वो 25% नेचर में पाया जाता है। तो आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, m1x1+m2x2+, यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, अपॉन x1+x2। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारे मास की वैल्यू है, मास मतलब कितना, यहाँ पर मास नंबर 35 है, ठीक है, और x1 की जो वैल्यू है वो 75 है। ये जो 35 वाला मास नंबर है ये हमारा 75% पाया जाता है, और जो m2 है वो 37 है और ये 25 है, x2 की वैल्यू देखो 25 है, डिवाइडेड बाई हमारा x1+x2 100% है, 75+25 100 होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो हमारा जो आंसर आ सकता है
वो आ सकता है यहाँ से 75 और 100 यानी कि 25 से इसको काट सकते हो, इसको भी है ना। तो आप इस तरीके से काटाकुटी करोगे तो आपका जो आंसर है वो 35.5 आएगा। तो ये एवरेज एटॉमिक वेट है क्लोरीन का नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो गाइज अभी हम देखने वाले हैं आप काफी इंटरेस्टिंग चीज, हालांकि हमने रदरफोर्ड मॉडल वगैरह तो देख लिया, लेकिन मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ ना वो बताने जा रहा हूँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको बहुत कठिन लगेंगे और आपके आपसे वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसको इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में दो चार पॉइंट्स बता देता हूँ जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चले, क्योंकि न्यूक्लियस तो उसी के बाद हमें समझ में आया। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की जगह पर आपको जल्दी जल्दी वो बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स। जैसे सबसे पहला न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है दैट इज 1.25 × 10⁻¹⁵ और जो हमारा मास नंबर है उसकी पावर 1/3 मीटर होती है, ठीक है। तो ये हमारा आपका ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान रखोगे, ओके। सेंटीमीटर में कर दोगे तो ये 10⁻³⁰ हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, है ना। और ये ए की पावर मतलब मास नंबर की पावर 1/3 और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान रखोगे। अच्छा ये कई बार आपको फर्मी में दिया जाएगा, तो फर्मी मीटर का ध्यान रखना है कि आपको भाई 10⁻¹⁵ जो होता है वो 1 फर्मी के बराबर होता है, ठीक है। देयर से यू हैव टू रिमेम्बर इट। अब आगे अगर हम बढ़े तो रेडियस ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो जो रेडियस ऑफ एटम है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, या फिर आप कह सकते हो 10⁻¹⁰ मीटर है, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अगर हम देखें तो 10⁻⁻⁰ / 10⁻⁵ तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10⁻⁵ के किस में आएगा, यहाँ पर आप देखो 10⁻⁵ की रेंज में आया। मतलब आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि जो एटम की रेडियस है वो सोचो कितनी बड़ी है न्यूक्लियस की कंपैरिजन में। तो इससे पता चलता है कि एटम कितना बड़ा होगा जबकि न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। आप देखो इससे ही पता चल रहा है 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ी है रेडियस एटम की न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें हमें पता चल रही है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम और चीजों को देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेंसिटी वगैरह को देखें तो जो हमारी डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। ध्यान रखना डेंसिटी हर एटम की फिक्स है, ठीक है, सॉरी हर न्यूक्लियस की फिक्स है, ठीक है। 10⁻¹⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आपकी फिक्स रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने किसी भी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो हीलियम का, है ना, फिर आप देख रहे हो मान लो सपोज लिथियम का, या फिर मान लो आप कार्बन का देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो मान लो नियोन का, तो उसमें क्या है कि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है इनका एटम का साइज बढ़ गया। यानी कि अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो किसी का मास अगर बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो डेंसिटी है ना वो इसी रेंज में आती है। तो डेंसिटी हमेशा फिक्स है, हर न्यूक्लियस की आपकी सेम आएगी 10⁻¹⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कुछ बातें थी, अब ये तो छोटी छोटी बातें थी, लेकिन अब मैं कुछ आपको स्पेशल बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें 224 अल्फा पार्टिकल आपने ले लिए, 224 अल्फा पार्टिकल्स आपने लिए और इनको आपने ये डिफ्लेक्टेड हुए 90° एंगल के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने बताना है कि ऐसे कितने अल्फा पार्टिकल होंगे, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं 120° एंगल के साथ। तो यहां पर अगर आप देखें तो आगे से आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला एक ट्रिक की तरह आपको बता देता हूं कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा आपके z² sin⁴θ/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, एज अ ट्रिक याद रखो और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में आप निपटा दोगे, ठीक है। अब इसी को यूज करते हुए हम करते हैं। देखो जहां पर हमारा ये जो जेड है ये एटॉमिक नंबर है, ये जो थीटा है ये यही वाला एंगल है जिससे डिफ्लेक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और आपका यहाँ पर देखो जेड हमेशा एक से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो अगर मतलब देखो जेड नहीं दिया गया है तो आप 1 मान लेना, अगर दिया है तो आप जो है जो दिया है फिर वो यूज करना, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जो है अल्फा पार्टिकल निकालने हैं। तो हम अगर देखें तो हम लिख सकते हैं n₁/n₂ = z₁/z₂ का स्क्वायर, साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी हमारा साइन का एंगल है साइन पावर थीटा 2 है ना अपॉन आपका 2 और यहां पर आपका साइन थीटा 1 आएगा, है ना, क्योंकि इनवर्स था वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो नंबर पहला नंबर है वो हमारा 224 है और हमारा जो n2 है वो नहीं दिया गया। z1 और z2 की बात करें तो ये 1 है ना, क्योंकि यहां पर नहीं दिया गया तो 1 लेकर चलना है, हाइड्रोजन को मानना है। साइन थीटा 2
यानी कि दूसरा एंगल 120 डिग्री है, यानी कि साइन की पावर 4 120 डिग्री बाई 2 है ना, और नीचे वाले केस में ये वाला एंगल जो है वो हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आंसर है वो क्या आएगा, वो जो आंसर है वो आएगा 24 बाई एन टू इज इक्वल टू साइन, अच्छा एक सौ साइन 120 बाई 2, यानी कि साइन 60 डिग्री हुआ, साइन 60 डिग्री की पावर 4 है। अब साइन 60 डिग्री होता कितना है, रूट 3 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रूट 3 बाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, और आपका साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45 डिग्री, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4। तो यहाँ से जो एन टू की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, फिर आप इसको सॉल्व कर लो यार आप, तो कितना हो जाएगा रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा 9, और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, और नीचे कितना हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 2 इंटू रूट 2 रूट 2 आपका 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 9 अपॉन आपका 9 इंटू 4 अपॉन 16, ये गया आपका इतने 9 बाई 4, और आपका यहाँ से ये डिवाइड वाइड करके आपका जो आंसर है वो 99.9 कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि इतने अल्फा पार्टिकल हमारे डिफ्लेक्ट होंगे कितने एंगल से, 120 डिग्री के एंगल से। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर ये नहीं आ रहा होता हमें तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें हवा भी नहीं यहाँ पे लगती। तो ऐसे क्वेश्चंस एम्स वगैरह के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए भी जरूरी है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल चीजें होंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैक्सवेल की थ्योरी वगैरह थी, जो जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका अपर सेल से लोअर सेल पर आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और लोअर से अपर जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वो सारी बातें हम बाद में देख लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा आगे देख लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने मॉडर्न उसमें बता ही दिया आपको, वन शॉट अगर आपने देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला मॉडर्न फिजिक्स का अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई दी है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूले भी बताए थे, एमिटेड फोटोन का नंबर निकालने की ट्रिक बताई थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। क्या बताई थी अगर आपको याद हो तो, मैंने बताया था जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन था 5 × 10⁻²⁴ इंटू पी नॉट इंटू लैम्डा, इस तरीके से बताया था। और इंसिडेंट का क्या बताया था, 5 × 10⁻²⁴ इंटू पी नॉट इंटू ए इंटू लैम्डा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, हालांकि यहाँ पर वो इंटेंसिटी थी, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम जो है आगे की चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, और जो है हमारा बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बोर एटॉमिक मॉडल, ये हमारा फिजिक्स में अब एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक केमिस्ट्री चल रही थी, अभी हम फिजिक्स में एंट्री मार चुके हैं, और अभी ये फिजिक्स की चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जैसे कुछ पोस्टुलेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनमें आपका एंगुलर मोमेंटम आपका एच अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो जो MVR होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, वो n h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इसको हम n हैश भी कहते हैं, ठीक है। h अपॉन 2 पाई को हम हैश भी कह देते हैं, h की पावर h के ऊपर ऐसे इस तरीके का छोटा सा आप यहाँ पे एरो लगा दोगे तो n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है ना, मतलब एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और ये आपके KCL, LM इस तरीके से आपने कभी सुना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो इन्होंने दूसरा पोस्टुलेट जो बताया, उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो दो फोर्सेस उस पर लगते हैं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा बाहर की तरफ कौन सा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल, आप जानते हो ना सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ आपका लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अंदर की तरफ लगता है, तो ये हमारा EFS इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो यहाँ पर उस वजह से आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमारा जेड स्क्वायर अपॉन आर एम बी स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर आप जानते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट लूज एनी एनर्जी, डज नॉट लूज एनी एनर्जी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये आपका एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांजिट करता है, मतलब या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो उस केस में या तो एनर्जी लॉस करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने अब ये देखो इससे क्या होगा, जो रदरफोर्ड ने बताया वो बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, अब जब वो घूमता रहेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो उस वजह से क्या होगा, वो आपका न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर अब ये बोर ने कंफ्यूजन दूर कर दिया, उन्होंने बताया कि एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहेगा, और जब कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगी तो एटम स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब ये तो हमारा थ्योरेटिकल बातें हो गई, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोर को देख लेते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने दो फॉर्मूले देखे, दो रिलेशन देखे, एक ये अभी हम देख लेते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें।
जैसे इससे ज्यादा काम की चीजें हैं, जैसे रेडियस की कैलकुलेशन। तो एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं बोर के, तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एंथ सेल, ठीक है ना, मतलब किसी भी सेल की रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अलग अलग सेल्स हैं, ऐसे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कैलकुलेट करनी है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेल की जो रेडियस होगी वो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होगी। ध्यान रखना, सीधे एंगस्ट्रॉम में ये आ रहा है आंसर, ठीक है ना, तो ये आपको सीधे ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम में आंसर आपका आएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं, तो ये आपकी जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एन स्क्वायर और जेड, मतलब एटॉमिक नंबर और सेल के नंबर पे, ठीक है। अब इससे इंटरेस्टिंग बातें जान लो, मान लो पहले सेल की आपको निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 0.529 अपॉन जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी R1 हो गई। तो अगर आपको किसी एंथ सेल की रेडियस निकालनी है तो आप पहली सेल में एन स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप किसी भी सेल की रेडियस आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो मतलब पहली सेल की अगर रेडियस में मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी का, तो आप आराम से उस चीज को निकाल सकते हो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा जो हमारी रेडियस है वो एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R1 बाई R2 हमारा N1 बाई N2 के होल स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1 के आपके यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, ठीक है। दिस इज अ कंपेरिजन फॉर्मूला अगर आप देखें तो। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की कैलकुलेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू Z/N मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर अगर आप देखें, ये तो मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले सारे याद रखने हैं अगर आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो, नहीं तो आप जो है बिल्कुल नहीं स्कोर कर पाओगे, नेगेटिव करके आओगे इतने इजी क्वेश्चंस को। तो ये वेलोसिटी के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, यूनिट के हिसाब से ध्यान रखेंगे। अच्छा, वेलोसिटी हमारी फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वेलोसिटी Z/N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। अब हम यहां पर अगर देखें तो उसके बाद हमारा यहां पर आपसे और क्या पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ बोर में एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन कराई जा सकती है। अगर वेलोसिटी निकाल ली तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि जो ओमेगा होता है वो वी बाई आर होता है, ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है Z/N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस होती है N²/Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Z²/(n³) के। तो ये आपको ध्यान रखो मत रखो आपकी मर्जी है, ध्यान रख पाए तो अच्छी बात, नहीं रख पाए तो निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आपसे और क्या पूछा जा सकता है फिजिक्स में, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है रोटेशन का, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो सेल में रिवॉल्व कर रहा है ना उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा जा सकता है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड होता है हमारा 2πr/ω, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यानी कि या फिर वेलोसिटी होती है वैसे तो, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा ये जो r/ω है ना, सॉरी r/v है ना, ये ओमेगा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 2π/ω, सबको पता होगा ये फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी सा। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो ओमेगा के इनवर्स हो गया, तो अगर हमारा ओमेगा Z²/(n³) था तो इसका मतलब हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n³/(3)/Z²/2 के। तो हम यहां से देख सकते हैं, वी कुड चेक इट कि किस तरीके से टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहे हैं सेल के नंबर पे और एटॉमिक नंबर पे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम पांचवें नंबर पे जो एप्लीकेशन देखेंगे वो देखेंगे रोटेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट इज द रोटेशन फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली वी आर चेकिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है ना। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो जो टाइम पीरियड का होगा, ठीक है ना, तो वही आपका फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा Z²/(n³)/3, एक तरीके से जो भी ओमेगा है उसी का आपका फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जैसा आएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा भी आप जानते हो 2πf के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बड़ी इजी इजी सी हैं, लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम पे नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बोर के और आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम जो है सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताना है हीलियम प्लस, ठीक है, इसके सारे न्यूक्लियस मैंने लिख दिए है ना, हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर मान लो मैंने लिथियम ले लिया, लिथियम आयन, तो आपको सबकी वेलोसिटी बतानी है पहले सेल की, इसमें दूसरे सेल की और तीसरे सेल की, और उनका रेशियो निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो 2.16 इंटू 10 टू दी पावर 6 होती है ना, सॉरी 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 होती है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी Z/N पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो Z है वो हमारा हीलियम का 2 है और आपका जो N है वो हमारा कितना है,
वो हमारा एन है पहला सेल, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं आपका जो जेड है वो 1 है और एन की वैल्यू 2 है। फिर आप जानते हो लिथियम के लिए, तो लिथियम का जो एन है वो जेड होता है 3, एटॉमिक नंबर 3 है और सेल भी हमारा 3 है। तो ये हो गया 2:1/2:1। अब इसको सॉल्व कर लो तो और कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4:1:2 है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 4:1:2 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। दिस इज 1, ये क्या है हमारा 1 है, 4:1:2 इतना आंसर आया वेलोसिटी का, ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं आपके अलग टाइप के। मान लो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, ठीक है ना। तो मान लो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, तो ये भी आपका बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है, आप देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी पहली सेल हो गई, ये हमारी दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। तो यहाँ पर आप देखो जो तीसरी सेल है वो ये हो गई, तो चौथी हमारी ये हो गई, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी है, अगर आप देखें तो चौथी रेडियस में से तीसरी रेडियस घटा दें तो आपका ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, R4 - R3 कर दो बस। अब चौथे सेल की जो रेडियस होगी हम जानते हैं क्या होती है, 0.529 × n²/z, मतलब 4² / z की वैल्यू हमारी कितनी है, हीलियम है, हीलियम मतलब z की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहां पर बेसिकली जो R3 है वो क्या होगा, 0.529 × n की वैल्यू 3 है, 3² / और हमारा हीलियम है तो आपने 2 किया नीचे, क्योंकि n²/z होता है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.529 आप बाहर निकाल लो तो आपका अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 8 और ये बचेगा 4.5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3.5 × 0.529, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.85 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है ना, 1.85 एंगस्ट्रॉम आपका डिस्टेंस रहेगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर मान लो और क्वेश्चन अगर हम करने बैठे तो और कैसे क्वेश्चन, देखो मान लो आपसे पूछा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, बड़ा लंबी तगड़ी लैंग्वेज में आपके सामने बन के आएगा। तो वो क्या बन के आएगा, वो आएगा कि भाई थर्ड सेल की रेडियस में से आप फर्स्ट सेल की रेडियस ले रहे हो और रेशियो निकालना है आपको थर्ड सेल की रेडियस में से सेकंड सेल की रेडियस को माइनस करके। तो डेफिनेटली आपको आपकी हालत खराब हो जाएगी, पतली हो जाएगी आपकी हालत, क्यों, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा कि हम करें क्या। लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ जिससे हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हाइड्रोजन की सेल आपको सारे लेने हैं। अब रेडियस के बारे में जानते हो, क्या जानते हो, कि जो R1 होती है वो 0.529 × n²/z हो जाएगी। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 0.529। अब z हमारा 1 है और n भी हमारा 1 है, तो इतने एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मान लो R2 हमें निकालनी है, तो अगर क्योंकि हाइड्रोजन का ही निकालना है तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे n² × R1 कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, बस n चेंज हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 2^4 और R1 की वैल्यू 0.529, तो आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा। ऐसे R3 हमारा कितना आ जाएगा, n² की जगह 9 और R1 हमारा 0.529 है। तो इस तरीके से हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे करोगे, 0.529 × 9 - 0.529 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, मतलब यहाँ पर कर क्या रहे हो, R3 हमारा कितना है 0.529 × 9, में से आप R1 घटा रहे हो, 0.529 घटा रहे हो, फिर उसके बाद अपॉन में R3 - R2। अब R3 की जो वैल्यू है वो है 0.529 × 9, है ना, उसमें से आप क्या घटा रहे हो, R2, यानी कि 0.529 × 4 आप माइनस कर रहे हो। तो जो आंसर आएगा 0.529 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 - 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 0.529 9 - 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप जो है इन सब चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्या हमें यहाँ पे करना है, किस तरीके से हैंडल करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं यार आपको समझ में आ रहा होगा, काफी मेहनत का काम है, काफी टाइम हो चुका है। तो प्लीज यार अभी आपने लाइक नहीं किया है तो कर देना, शेयर नहीं किया है तो कर देना। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना प्यार करोगे, जितना एंगेजमेंट दोगे, उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए और भी कॉन्टेंट लाने के लिए मन करेगा, उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें आपकी nth सेल की रेडियस आपको दी गई है, ठीक है, मान लो 4.761 एंगस्ट्रॉम आपको किसी भी सेल की रेडियस दी गई है, ठीक है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है उस सेल का, ये आपको रेडियस दी गई है।
अब ये हमारी रेडियस है किसी भी nth सेल की। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें, वो होता है एम वी आर, और हम इसके बारे में जानते हैं, बोर ने बताया था एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा, है ना। अब हमें वो एन का नंबर नहीं पता है, अब वो कहाँ से लेकर आए, वो हम रेडियस से ला सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रेडियस होती है वो होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अब हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब एन स्क्वायर इक्वल टू 0.529 इक्वल टू ये वैल्यू है, इसको इसको काट दो तो ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, तो एन की वैल्यू 3 आ गई, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है एम बी आर, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 h/2π, या फिर आप कह सकते हो 3 h, है ना, क्योंकि h अपॉन टू पाई क्या था, हैस, है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बचती है, एनर्जी। तो बोर का भी एप्लीकेशन चल रहा है और उसमें मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कराता हूं अभी, है ना, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो लेट्स कैलकुलेट एनर्जी। तो अगर हम यहां पर देखें तो टोटल एनर्जी हमारी दो तरीके की होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो आप यहां पर देखो, जो हमारा एम वी स्क्वायर है ना, वो आपका जेड स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो मुद्दा होता है वो क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर कर सकते हो। तो ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आप निकालने बैठो तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी क्या, माइनस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो है यहाँ पर अट्रैक्शन वाली है, इसीलिए। तो अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जो भी आप न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर, अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेसिकली डिस्टेंस से कर दिया है। तो हमारी यहाँ पर एनर्जी आई, वर्क डन, जानते हो ना क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर वो आ जाएगी, ओके। तो बेसिकली जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने बैठोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी का आया था हाफ जेड स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोटेंशियल आई और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो चुका है। अब उसके बाद आप टोटल एनर्जी हमने देखा था क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, काइनेटिक एनर्जी आई हमारी, अब देखो ये तो कभी नेगेटिव आएगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी वाली, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, और ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो टोटल एनर्जी आएगी हमारी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, हालांकि हाफ आएगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें जो पता चल रहा है ना वो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर रिलेशन समझो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिलेशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है। देखो, हालांकि एनर्जी का जो सॉल्यूशन, एनर्जी का जो और बेसिक फॉर्मूला है वो अभी बता दूंगा मैं, लेकिन जो रिलेशन है तीनों के बीच में वो जरूरी है। अब देखो क्या रिलेशन आ रहा है, वो रिलेशन आ रहा है टोटल एनर्जी हमारी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, है ना। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिप्स पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, टिप्स पर, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे क्वेश्चन आए हैं और पूछेगा एग्जामिनर, आगे भी पूछेगा, आगे पिछली बार भी आए हैं, कई बार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, हर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या होता है, एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी का बता रहा हूँ, टोटल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखना आगे से, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो उसमें रेडियस में ऊपर एन था, इसमें जेड आएगा ऊपर, ठीक है ना। ये फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए, है ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी पर एटम में, ओके, ये टोटल एनर्जी हो गई। अच्छा, अगर आपको ये एनर्जी किसमें निकालनी है, यूनिट चेंज करनी है, तो यूनिट मान लो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में करनी है, तो आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा इतना जूल पर एटम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और एक और फॉर्मूला जो बच्चे नहीं ध्यान रखते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, किलो कैलोरी में, ठीक है। तो किलो कैलोरी में जब आपका क्वेश्चन आप निकाल रहे हो एनर्जी में, तो आपका ये आ जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। ये सारे फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी होंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एनर्जी के फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर देखो, जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, देखो
यहाँ पर ये किसी भी एटम के लिए सेम रहेगा, है ना भाई। देखो अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो जेड हमेशा हाइड्रोजन के लिए सेम रहेगा, लेकिन उसके सेल बदल सकते हैं। तो वही वाला सीन है कि जो ई एन होता है वो ई वन अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होता है ना। मतलब किसी भी सेल का, जैसे मैंने कहा कि अगर ई वन आपका मान लो -13.6 है ना, तो आपको पूछा गया कि अगर पहले सेल की जो एनर्जी वो इतनी है तो बताओ फिफ्थ सेल की एनर्जी कितनी होगी, तो 13.6 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फॉर्मूला है, अगर आपने इसको याद रखा तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आसान हो जाएगा, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप इसको सबको ध्यान रखोगे। कॉमेंट में मुझे बताओ कि सर हम ध्यान रखेंगे, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, आप पढ़ाते जाओ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कुछ चीजें देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर अच्छा एक और चीज आपको टिप्स पर होनी चाहिए, क्या, देखो यहाँ पर जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे टोटल एनर्जी बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो टोटल एनर्जी जो थी ना, देखो यहाँ पर देखो जैसे जैसे आपने सेल का नंबर बढ़ाया वैसे वैसे देखो क्या होगा, जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी घटेगी, बट लेकिन नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव में जो चीज घटती है वो एक्चुअली असल में बढ़ रही होती है। जैसे मैंने कहा -6 और मैंने कहा -5, तो कौन बड़ा है, -5 बड़ा है ना, तो ये घट रही है लेकिन फिर भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब जब भी एन की वैल्यू बढ़ेगी टोटल एनर्जी बढ़ेगी, और आपको पता होना भी चाहिए कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है तो आप इन्फानाइट की तरफ जा रहे होते हैं और इन्फानाइट पर एनर्जी जीरो होती है और नेगेटिव से बड़ा होता है जीरो, है ना। तो ये सब चीजें हमें पता भी है, टोटल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने रिलेशन भी देखा था। क्या रिलेशन देखा था? रिलेशन हमने देखा था ये वाला कि अगर टोटल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी उसी के बराबर होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड में आपकी आधी होती है, साइन में बराबर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ये दोनों नेगेटिव है। मतलब अगर टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, है ना, और रेडियस आपकी बढ़ती जाएगी और स्पीड आपकी कम होती जाएगी। ये चीज हमें टिप्स पर होनी चाहिए, है ना। अब ये समझ में आ गया ना ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का रीजन आपको समझ में आ गया ही होगा, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे एन बढ़ा रहे हो तो टोटल एनर्जी नेगेटिव में आपकी क्या होती जा रही है, कम, और नेगेटिव में जितनी चीज कम होती है वो उतनी असल में बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर आपकी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, और आर की वैल्यू आप क्योंकि आप जानते हो एन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे देखो ये एक सेल था, फिर ये दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, तो आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और स्पीड आपकी किस पे डिपेंड करती है, एन के इनवर्स होती है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है स्पीड आपकी घटती जाती है, तो वो वाला सीन है। तो आप यहां से सारी चीजों को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप जो है यहां पर हर चीज को आप देख पाएंगे, ठीक है। चलो तो यार उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, काफी मेहनत ऑलरेडी हो चुकी है, और अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने लाइक वाइक नहीं किया है तो कर दो, शेयर वेयर नहीं किया है तो कर दो, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर आपसे मान लो किसी ने पूछा कि आपने किसी ने पूछा कि इसमें से कौन सी एनर्जी बड़ी है, आप यहाँ पर रेशियो मतलब ये बताओ, आप यहाँ पे मार्क करो कि कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता है, थर्ड का मतलब क्या है, तीसरे सेल, इसका मतलब क्या है, दूसरा सेल, इसका मतलब है पहला सेल, तो ऑब्वियसली बात है तीसरे सेल में टोटल एनर्जी ज्यादा होगी और दूसरे के कंपैरिजन में, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो आपका यहां पर आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी एक जैसे होते हैं, तो ये भी आपकी इस तरीके से आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो कुछ ऐसे आ जाएगी, है ना। तो ये वाली चीजें हैं, क्योंकि आप मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे सेल का नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे टोटल एनर्जी घटती जाएगी, बट लेकिन क्योंकि नेगेटिव में है तो इसलिए आंसर बढ़ रहा है ना। तो ये वाली चीज ध्यान रखोगे। चलो तो उम्मीद करते हैं यार आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा ना क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ, जिससे आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके लिए कुछ बेहतर आगे बात बने आपकी कुछ और। मान लो एनर्जी थर्ड सेल की हीलियम प्लस की एक्स है ना, हीलियम प्लस आयन है और उसकी जो एनर्जी है मान लो वो एक्स है और ये हमारा थर्ड सेल है, ओके। तो आपको बताना है एनर्जी ऑफ सेकंड सेल ऑफ लिथियम प्लस टू आयन, ठीक है, सेकंड सेल। तो चलो कर लेते हैं, कैसे करोगे? देखो जो हमारी एनर्जी है थर्ड सेल की वो हमारी एक्स हो गई, है ना, और जो हमारी सेकंड सेल की एनर्जी है हमें लिथियम प्लस के लिए निकालनी है, ये हमारी दी गई है हीलियम प्लस के लिए और ये हमारी लिथियम प्लस टू के लिए। इसका मतलब हमारा जेड भी अलग है एन भी अलग है। अब निकालना कोई कठिन तो है नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यार कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है
वो हम जानते हैं माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना। तो मान लो अगर ये हमारी थ्री थ्री नंबर वाली है, हेलियम की है, तो ये आपकी एक्स के बराबर दी गई है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 13.6 इंटू जेड की वैल्यू हमारी कितनी है, आपकी जेड की वैल्यू 2 है, तो आंसर 4 आ गया, और एन की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो 3 3 9, और ये एक्स आ गया, ठीक है। अब एनर्जी 2 की अगर आप निकालो दूसरे केस में जो लिथियम की है, तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, जेड की वैल्यू आपकी कितनी है, देखो हे ली मतलब आपका तीसरे नंबर पर आ गया, मतलब ये हो गया आपका 9, और आपका एन की वैल्यू कितनी दी गई है, सेकंड से है तो ये 4 हो गया। अच्छा, जो मैंने अभी भी बोला ना वो ट्रिक थी उसको याद रखने की, ठीक है ना, मतलब 18 एलिमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, हे ली वे बकन ऑफ नैना मास प्लस का, तो ये छोटी सी ट्रिक है। कमेंट में मुझे बताओ कि अगर आपको ये सीखनी है तो मैं आप इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा ट्रिक की, ठीक है, हालांकि बनी हुई है पहले से पीरियोडिक टेबल को याद रखने की ट्रिक, बट फिर भी अगर आपको सीखनी है तो मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलो, ये हमारा E3 हो गया, E2 हो गया, हमें दोनों के रेशियो निकाल लो, हमारा काम बन जाएगा, रेशियो से हमारा वैल्यू हमें पता चल जाएगी, है ना। तो कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो दोनों को, तो एक्स अपॉन E2, और इधर क्या बचेगा, 4/9, क्योंकि 13.6 तो कट जाएगा, इधर 4/9 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया, 16/81, तो E2 का आंसर कितना आ गया, 81/16 टाइम्स ऑफ एक्स, दैट्स इट, ठीक है ना। तो आई होप यार आप समझ पाए होंगे, ओके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ओके। चलो, अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की ओर आते हैं, और वो है आपका हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल। तो ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल क्या है, मान लो ये हमारा सेल 1 है, ये हमारा सेल 2 है, ये हमारा सेल 3 है, ठीक है, ये इस तरीके से सेल 4, इस तरीके से मान लो ये सेल 5 है, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल आपको ध्यान रखने हैं आगे से हमेशा, ओके। और मान लो ये हमारा 6 लेवल है, तो यहाँ पर आपका पहले सेल से छठे सेल तक जब आप गए तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो अलग आएगी कुछ, है ना। अब देखो, पहले सेल पर माइनस 13.6 होगी, फॉर्मूले के हिसाब से निकाल कर देख लो, ये हाइड्रोजन एटम है, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, ठीक है। दूसरे केस में आपकी माइनस 3.4 आएगी, कैलकुलेट करके देखो, ये फिक्स है, आपको याद रखनी है हमेशा हाइड्रोजन की, आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बार बार यूज ये बार बार काम आएगी अगेन एंड अगेन, ठीक है। और ये हो गया हमारा माइनस 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी पर जीरो हो जाता है, मैं अगर इन्फिनिटी वाला बनाऊं तो वो आपका जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे यार कि क्या ध्यान रखोगे, कि जब आप पहले से छह पर गए, इलेक्ट्रॉन जब पहले से छह पर जाएगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी प्लस के 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ऊपर वाले में से नीचे को घटा दो। जब आपका पहले से 5 पे पर जाएगा तो फिर आपको 13.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, अगर आप पहले से चौथे पर गए तो फिर आपको 12.76 देनी पड़ेगी, अगर आप पहले से तीसरे पर गए तो आपको 12.1 देनी पड़ेगी, अगर आप पहले से दूसरे पर गए तो 10.22 देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इन दोनों का जो गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इन दोनों का हमारा 1.9 का है, तो इन दोनों का हमारा 0.66 का है, और इन दोनों का जो हमारा है वो 0.31 का है, और इन दोनों का जो हमारा है वो 0.17 का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा एनर्जी लेवल थे हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, ये सब मैंने कई कहाँ से निकाले, वहीं से, हमारा जो फॉर्मूला था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर इनको यूज किया और यहाँ पर हमने चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करी। चलो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा मान लो E2 - E1 डिवाइडेड बाई E3 - E2 हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, मान लो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड सेल की एनर्जी में से फर्स्ट सेल की एनर्जी घटाई, थर्ड सेल की एनर्जी में से सेकेंड सेल की एनर्जी घटाई हाइड्रोजन के लिए, तो E2 हमारा कितना होगा। अब देखो, एक चीज मैंने बताई थी कि जो हमारा En होता है वो E1/N² होता है ना, किसी अगर एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पर देखो E2 क्या होगा, E2 जो होगा वो असल में, अगर देखो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें जो E1 है वो इतना होता है, पहले सेल की एनर्जी माइनस 13.6 है, तो हमारा E2 कितना होगा, माइनस 13.6/N², मतलब 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13.6 बचेगा, अपॉन E3 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 13.6/N²
माइनस 13.6 अपॉन 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब E2 की वैल्यू कितनी आएगी, 13.6 अपॉन n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखो, अब ये मैंने आपको सिर्फ 5 या 10 सेकंड में सॉल्व कराया है, लेकिन अगर आप इसको ना, अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे होते यार, माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ऐसे कर करके पूरा कर रहे होते, तो यार एक तो गलत होने के चांस बढ़ जाते, दूसरा आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीजों को सीखोगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालना सीखोगे। और अगर आपको पूरे फिजिक्स का इस तरीके से चीजों को सीखना है कि पूरी फिजिक्स में ही हम जल्दी जल्दी कैसे सीखे चीजों को, और आप अगर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यार हमारा जो मिशन 2020 है और 2021 इस तरीके के कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहिए अभी से, जिससे आप जो है और बच्चों से काफी आगे निकल जाओ और आपकी ढेरों सारी प्रैक्टिस हो जाए। तो फिर आप नीट में 180 में से 120 लाने की ना सोचो, आप 160, 170, 180 लाने की सोचो, और जेई में 120 में से 120 लाने की सोचे तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि पास होने वाले मार्क्स लाने की सोचे। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 4, आंसर आएगा 3 बाई 4, और नीचे कितना आएगा हमारा 5 बाई 36। तो हमारा जो आंसर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, तो वैसे मैं बता देता हूँ, चलो यार, तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 3 अपॉन 5 4 20 है ना, तो ये हमारा 18, ये 10 बार गया, तो ये हमारा कुछ कुछ आ गया, ठीक है ना, बाकी आप कर लेना, है ना, जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो चीज होती है वो क्या होती है, मान लो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मान लो आप ये हमारी सेल 1 है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी सेल 2 है, ये एक्साइटेड स्टेट 1 है, ये सेल 3 है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट 3, सॉरी दूसरी, ये सेल 4 है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट 3। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है कि जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को आपका, यहाँ से यहाँ बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो वो एनर्जी आपकी होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। कहाँ पर निकालना है, बिल्कुल इन्फिनिटी पर, मतलब आपको बिल्कुल एटम के बाहर निकाल देना है, ठीक है ना, तो वो चीज होती है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ क्या, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा, इन्फिनिटी की एनर्जी जीरो, ई वन माइनस किया तो दिस इज माइनस ई वन, एंड ई वन आ जाएगा माइनस ऑफ आई पी, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, अब है ना, आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पर एनर्जी हम जीरो लेकर चलते हैं, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड आपका जो है डिफॉल्ट, हम बाई डिफॉल्ट उसको लेकर चलते हैं उस स्केल को, कि भाई इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो ही मानेंगे। अगली चीज आपको पता होनी चाहिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी डायग्राम में बताऊं, तो मान लो मुझे ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है एक्साइटेड स्टेट 2 पर, तो ये जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको मैं एक्साइटेशन पोटेंशियल कहूंगा। कौन सी वाली एक्साइटेशन पोटेंशियल कहूंगा, एक्साइटेशन एनर्जी 3 कहूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई एक्साइटेशन स्टेट 3, या मैंने कहा एक्साइटेशन स्टेट 1, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट 1 पर लेकर गया हूं, और एक्साइटेड स्टेट 1 का मतलब होता है सेकंड सेल, मतलब मैं E2 माइनस E1 करूंगा। मैंने कहा मैं एक्साइटेड स्टेट 3 पर लेकर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर गया हूं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट 3, मतलब सेल नंबर 4 पर, सेल नंबर 1 से सेल नंबर 4 पर लेकर गया हूं, तो मैं कहूंगा E4 माइनस E1, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अगली जो डेफिनेशन है, सेपरेशन एनर्जी नाम की होती है। ये क्या चीज है, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से, मतलब बेसिकली अगर हमें एक्साइटेड स्टेट से रिमूव करना है उसको सेपरेशन एनर्जी कह रहे हैं। मतलब क्या है बुद्धा, रिमूव करने का मतलब क्या है कि बिल्कुल ही बाहर खींच देना है हमें, मतलब बाहर फेंक देना है इलेक्ट्रॉन को निकालकर। मतलब देखो, अगर हम ग्राउंड स्टेट से बाहर फेंक रहे हैं तो वो आईपी होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम किसी एक्साइटेड स्टेट से बाहर फेंक रहे हैं, है ना, तो वो होती है हमारी सेपरेशन एनर्जी, सेपरेट करने वाली एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा सेपरेशन एनर्जी 2, इसका मतलब ये हुआ होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने इस डायग्राम में समझे, तो इसका मतलब ये रहा होगा सेपरेशन एनर्जी 2 का कि आपने जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे सेल से इन्फानाइट पर आपने छोड़ दिया, मतलब आपने बेसिकली इन्फानाइट माइनस E3 आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर E3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है ये, और एक्साइटेड स्टेट सेकंड का मतलब आपकी सेल नंबर 3 होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर ये सारी चीजें आप जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया और लग जाएगा। जैसे मान लो
मान लो कि हमने क्वेश्चन कहा कि आपका जो आईपी की वैल्यू है किसी एटम के लिए वो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैंने कहा आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आपसे पूछा सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेकंड ईपी एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आईपी की वैल्यू 45 है, इसका मतलब ये हमारा ईवन हो गया, माइनस ईवन, यानी कि ईवन की वैल्यू माइनस 45 हो गई, ठीक है ना। तो यहां से अगर हमें सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालनी है तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी E3 माइनस E1, ठीक है ना भाई। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आप जिस सेल से निकालना चाहते हो, मतलब जिस सेल से एक्साइटेड करना चाहते हो किसी दूसरे सेल पर, ग्राउंड स्टेट से आप किसी एक्साइटेड स्टेट पर जो है उसको लेकर जाना चाहते हो, तो वो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वही एक्साइटेशन पोटेंशियल है। तो अगर EP2 आप निकाल रहे हो, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से आप सेकंड एक्साइटेशन स्टेट तक लेकर गए, और सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब सेल नंबर 3, तो आपकी E3 माइनस E1 आपको करना है। अब E3 की वैल्यू क्या हो गई, E1 अपॉन N स्क्वायर, N स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस E1, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस 45, क्योंकि E1 की वैल्यू आपको IP से पता चल गई, तो आपने यहाँ पर रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 45, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका 5 हो गया, माइनस 5 प्लस 45 आंसर आ गया 40, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यार आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यार बहुत कुछ मैंने बताया, काफी मेहनत हो गई है, अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा देता हूँ कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझा रहा हूँ, एमिशन नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस कर रहे। तो यहाँ पर मान लो आपकी ये इन्फानाइट वाली सेल है ना, और बाकी मैं आपका सिर्फ जो है हम्फ्री तक समझा रहा हूँ। ये हमारा 7th नंबर की सेल हो गई, मान लो ये 6th नंबर की हो गई, ये हमारी 5वें नंबर की हो गई, ये हमारे 4थे नंबर की हो गई, ये हमारे 3रे नंबर की हो गई, ये हमारे 2रे नंबर की हो गई, ये हमारे 1ले नंबर की हो गई, ठीक है ना। अब क्या है कि जो हमारा जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो 7 से पहले पर आ रहा है ना, फिर वो 6 से इस पर आ रहा है, 5 से इस पर आएगा, 4 से इस पर आएगा, 3 से इस पर आएगा, 2 से इस पर आएगा, तो ये जो सीरीज बनती है इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी और सेल से पहली सेल पर आएगा उस सीरीज को हम लाइमन कहेंगे, और वो यूवी रीजन में लाई करती है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल पर आएगा किसी भी और सेल से, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बाल्मर कहते हैं, ठीक है ना, बाल्मर सीरीज कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर की सेल पर आएगा तो उसको हम पाश्चन कहते हैं, ठीक है ना, और जब भी चौथे नंबर की सेल पर आएगा तो उसको हम फिर ब्रैकेट कह देते हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी आपकी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी उनका नाम मैं बता रहा हूँ, और ये अपने अपने साइंटिस्ट लोगों ने जिन्होंने डिस्कवर किया उन्होंने अपने नाम पर रख दिया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन आपके 5वें सेल पर आएगा तो उसको हम पी फंड कह देंगे, है ना, और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन 6ठे नंबर पर आएगा तो उसको हम फ्री कह देंगे। और यहाँ पर खास बात क्या है कि आपका केवल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास है बार्मर सीरीज, क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करती है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपकी जो लाई कर रही हैं वो लाई कर रही हैं आपकी या तो यूवी में, और बाकी सारी की सारी लाई करेंगी इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसमें हमने लाइमन वार्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री सारी लाइंस को देखा। अब उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रिक्स। तो बेसिकली जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यूज करने के लिए, जैसे मान लो 7 से 2 तक ट्रांजिशन हो रही है, मतलब 7 सेल से सेकंड सेल तक हो रही है, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो सकती है, N2 - N1 N2 - N1 + 1/2। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर देखो N2 हमारा अपर सेल है, N1 हमारी लोअर सेल है जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 7 - 2 7 - 2 + 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना। ऐसे ही हम अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हम यहाँ पर मान लो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर लेवल से, मान लो ग्राउंड लेवल पे जाता है, ठीक है, एनी हायर लेवल से ग्राउंड लेवल पर अगर जाता है, तो उस केस में ग्राउंड स्टेट पर अगर जा रहा है तो उस केस में हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन n = n से हमारा मान लो जा रहा है n = n1 तक जा रहा है, तो उस केस में n2 - n1 n2 - n1 + 1/2, तो यहाँ पर जो n1 है वो 1 है, n2 हमारा n है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा फाइनली वो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपने जनरली देखा भी होगा, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पर ही आना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता देता हूँ, तो हमारी जो ट्रिक है ऐसी चीज़ों को करने की वो इस तरीके से है, मान लीजिए हमारा, मान लीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 से 2 तक ट्रांजिशन कर रहा है,
आपको करना क्या है, बस इनका डिफरेंस ले लेना है। तो 7 में से 2 है तो 5 बचे, आपको फिर क्या करना है, इसको ओपन कर देना है 1 तक, 5 प्लस 4, फिर 3, फिर 2 प्लस 1। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 12 14 15, तो हमारा वही आंसर आया है इतने कम टाइम में जितना हमारा इस फॉर्मूले को यूज करके आया था, जिससे नेगेटिव भी हो सकता था अगर हमें थोड़ा भी गलत ध्यान रह जाता। तो ये हमारी ट्रिक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, आपको आगे से ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन 2 तक जा रहा है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 तक जा रहा है तो फिर हमारा ये जो पहली लाइन होगी, फिर ये हमारी बार्मर होगी, ठीक है। उसके बाद वाली जो होगी वो हमारी फिर उसके अगली, यानी कि पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद पी फंड, फिर उसके बाद हमफ्री, इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो आपसे ये पता चल गया, आपको इसमें इस ट्रिक से ये भी फायदा हो गया, टोटल नंबर तो पता चल गया, साथ में हमें अलग अलग लाइंस, जैसे कितनी बाल्मर है, कितनी पाशन है, कितनी ब्रैकेट है, या फिर आप ऐसे समझो कि ये विजिबल नंबर ऑफ लाइंस है, बाकी सारी इंफ्रारेड नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंफ्रारेड भी पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ बार्मर भी पता हमें यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तो आई होप आप इस चीज को ध्यान रखोगे और आप जो है आगे इन सब चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मान लो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वेवलेंथ की कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कैलकुलेट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तरीका है वो क्या है, ध्यान रखना ये हमारा वी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब आप बार लगा देते हो तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं बचती है, वो वेव नंबर हो जाता है। तो ये हमारा 1/λ, मतलब जो होगा इसका फॉर्मूला, रेडबर्ग वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, जो है हमारा RH(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2² और ये हमारा जो होगा, दिस इज रेडबर्ग फॉर्मूला, जो हमारा इतने सेंटीमीटर इनवर्स यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो 1/λ = RH(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2², तो यहां पर ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला आप यहां पे देख सकते हो, जो RH है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, एज वेल एज आप कह सकते हो 109700 सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है, या फिर ये इक्विवेलेंट है 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स के, या 10^7 मीटर इनवर्स के, ठीक है ना। तो दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला जो आप यहां पे देख सकते हो, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 109700। तो गाइज अभी हम देखने चाह रहे हैं रिडबर्ग फॉर्मूले में, हमने रिडबर्ग की वैल्यू देख ली, अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, दिस इज आवर एटॉमिक नंबर। तो अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम यहां पर जैसे 1/λ = RH(Z², ठीक है। तो देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, जो हमने 1/ ये जो लिया था ना, इसको हम थोड़ा इजी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो इतनी लेंदी हो जाती है कि 1 मिनट के अंदर तो इम्पॉसिबल जैसी चीज होती है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसको इस तरीके से मॉडिफाई करना है जिससे हमारा क्वेश्चन चुटकियों में हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं N2² - N1² / N1² × N2², ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, अब वेवलेंथ को उल्टा कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/RH(Z²) और ये हो जाएगा N1² / N2² / N2² - N1² और यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से 1/RH जो हो जाएगा, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू तो हमें पता थी, लेकिन 1/RH की जो वैल्यू है आगे से ध्यान रखेंगे आप, 912 angstrom होती है, ये वैल्यू है 1/RH की, ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बताई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना और हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या बना, जो हमारा लैम्डा आया सीधे सीधे वेवलेंथ, देखो पिछली बार है ना हमारा 1/वेवलेंथ आ रही थी, लेकिन अगर सीधे सीधे वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा बेस्ट है, और ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी जरूरी है ध्यान रखना, लेकिन कई बार ना क्वेश्चन इससे नहीं होता है, कठिन होता है, तो बेहतर है आप इसको यूज करें, सीधे वेवलेंथ निकलेगी 912/Z², जेड आपका या तो ज्यादातर केसेस में हाइड्रोजन होगा तो 1 ले लोगे आप, तो ये और भी आसान हो जाएगा, है ना। और इधर क्या बचेगा, N1² / N2² / N1² ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ठीक है ना, R1 R2 / R1 + R2, लेकिन फर्क क्या था, वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर हम जो कर रहे थे वो जोड़ रहे थे, पहली बात तो ऐड कर रहे थे, दूसरी बात क्या फर्क था, वहां पर स्क्वायर नहीं था। ये कुछ कुछ वैसा भी है जो हमने ट्रिक देखी थी रे ऑप्टिक्स के अंदर मिरर वगैरह की, तो हमने वहां पर लेंस और मिरर में इमेज की डिस्टेंस निकालना सीखा था UF/U-F से, तो ये कुछ कुछ उससे भी रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा λ = 912/Z², N1² / N2² / N2² - N1² एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ।
और ये जो वेवलेंथ आएगी ना, सबसे खास बात क्या इस चीज की, वो एंगस्ट्रॉम में आएगी, लेकिन ये वाली जो वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। तो लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर एंगस्ट्रॉम में पूछता है, तो इसीलिए आपका एक और बेनिफिट यहाँ से हो गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कंपैरिजन में, इसके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आपको ये हेल्प करेगा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना। अच्छा ये तो पता है ना कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, कल को बदलने की जरूरत पड़ जाए तो 10^-10 मीटर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो 10^-8 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज दी फॉर्मुला फॉर वेवलेंथ, आपको अगर वेवलेंथ कैलकुलेट यहाँ से करनी है तो ओके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ जो पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। देखो आपको टर्म मिलते हैं कुछ कुछ, जैसे आपको टर्म मिलते हैं कि एनी सीरीज लास्ट लाइन, मतलब किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन, जैसे मैंने कहा बारमा सीरीज की लास्ट लाइन आपको निकालनी है, बारमा सीरीज की लास्ट लाइन, किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप उसे इन्फिनिटी से मेजर कर रहे हो, ऑलवेज फ्रॉम इन्फिनिटी से, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पाशन लास्ट लाइन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ जल्दी से बताओ कमेंट्स में, इसका मतलब ये हुआ कि N2 और N1 का मतलब क्या हुआ कि जो N2 है वो तो बड़ा वाला इन्फिनिटी हो गया, ध्यान रखना जो N2 है ना हमेशा वो आपका बड़ा वाला होगा, मतलब जो अपर सेल है वही होगी, ठीक है ना। N2 आपका इन्फाइनाइट हो गया, लास्ट लाइन का मतलब है कि आप उसे इन्फाइनाइट से ले रहे हो। अच्छा पाशन है मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन कहां तक आ रहा होगा, तीसरे सेल तक, तो इन्फाइनाइट से 3 हो गया N2 N1। तो हमारी वेवलेंथ निकालोगे, बिल्कुल निकालेंगे, इन्फाइनाइट का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन इन्फाइनाइट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू आपका 912 अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो काफी मजेदार है आपकी, जैसे आपको कुछ हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज इन्फिनिटी वाला लेवल, दिस इज लेवल 3, दिस इज 2, दिस इज 1। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से इलेक्ट्रॉन को आप लेकर आए, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट लाइन हो गया, ठीक है ना, ये हमारी इन्फिनिटी से लेवल 1 पर आए आप, ये सेकंड से आप 1 पर आए तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर आप कर क्या रहे हो, बेसिकली यहां पर आप कर रहे हो, जैसे हम यहां पर देखें तो दिस इज बेसिकली ये हमारी पहली वेवलेंथ है, ऐसी ये हमारी सेकंड वेवलेंथ है, ऐसी ये हमारी लास्ट वेवलेंथ है, मतलब इन्फिनिटी से वन तक आप आ रहे हो। तो यहां पर हमारी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन सी होगी मुझे बताओ, हमने जो फॉर्मूला देखा था, देखो मुझे बताओ एनर्जी के बारे में, देखो एनर्जी हमारी इन्फिनिटी पर जीरो होती है ना, और नीचे आकर माइनस हो जाती है -30.6 अगर हाइड्रोजन के लिए देखें, या फिर किसी और के लिए भी देखें तो भी वो माइनस में कुछ ना कुछ रहेगी। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि जो एनर्जी है वो घटती जाती है, हम जानते भी हैं, है ना। तो मतलब क्या है इसका कि एनर्जी घट रही है, एनर्जी घट रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा, ये कांस्टेंट, तो एनर्जी इन्वर्सली हो गई वेवलेंथ के, मतलब ये हुआ कि लैम्डा 1 ज्यादा लैम्डा 2 मतलब से और लैम्डा 3 से भी, और लैम्डा आपका जो लास्ट वाला है वो सबसे छोटा, ठीक है। तो लैम्डा लास्ट इज द मिनिमम, ओके, और लैम्डा 1 इज द मैक्सिमम। अच्छा लैम्डा 1 का मतलब क्या हुआ कि वो पहले सेल से मतलब दूसरे से पहले पर आ रहा है, और लैम्डा लास्ट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहले पर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें आपको ना हेल्प मिलेगी कई बार, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको ना, आपको लैम्डा मिनिमम पूछेगा बहुत बार, डायरेक्ट पूछेगा कि मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे, 1/RHZ² जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था, और N1², क्योंकि N2 तो हमारा क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, और वो इन्फाइनाइट तो हटा सकते हो आप, है ना। तो लैम्डा मिनिमम डायरेक्ट ये हो जाएगा, और हमने जाना कि 1/RH की वैल्यू होती है 912, तो ये हो जाएगा 912/Z² × N1². दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर इट एट एनी कॉस्ट। तो ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा सीधे सीधे क्वेश्चंस को निपटाने में। दिस इज एंगस्ट्रॉम रेडियस, ओके। अब यहां पर ये सारी चीजें आप आई होप आपने ध्यान रख ली, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बस मुझे इतना ही आपको बताना था, उसके बाद जैसे कुछ मैं आपको पूछ लेता हूँ लैंग्वेज के हिसाब से, है ना, क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो क्वेश्चन किया हमने कि आपको बतानी है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको सपोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, इन दी फॉर्म ऑफ RH, आपको RH की फॉर्म में सीधे सीधे बतानी है, ओके। तो आपको ट्रांजिशन करना है 4 से 2 तक का, तो आपको हीलियम प्लस आयन में ट्रांजिशन करना है 4 से 2 तक का, तो आप कैसे कितना यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर बताना है, तो क्या होगा। अब देखो कैसे बताएं, हमारी जो 1/λ होती है वो RH × Z² / N1² - 1/N2² यहाँ पर होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है कि आपका जो जेड है वो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो जेड है वो हीलियम है, हीलियम का मतलब जेड का मतलब कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छा 1/N1 क्या होती है, छोटी वाली सेल, है ना,
दो का स्क्वायर कर दो और एन टू चार का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू आर एच इंटू वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन 16। जब हम इसको माइनस कर रहे होंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वन अपॉन वेवलेंथ आएगी, है ना। अब उसमें क्या पूछा है, उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वन अपॉन वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, इसको सब्ट्रैक्ट जब हम कर देंगे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/4 टाइम्स ऑफ आर एच। तो यहाँ से ये हमारी वेवलेंथ आ गई सेंटीमीटर इनवर्स में, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है, 912 वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी हमारी सी बाई लैम्डा, है ना। सी की वैल्यू क्या होती है, 3×10⁸, और हमारा ये मीटर में है, सेंटीमीटर में 10⁻¹० हो जाएगी, है ना। और 1/ लैम्डा की वैल्यू हम ऑलरेडी ये जानते हैं, तो हम इसको पुट कर देते हैं इंटू 3/4 × RH। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 9×10⁴ RH। दिस इज दी आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, ओके। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ तो आपको थोड़ी आसानी होगी। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब आपको पूछ लिया कि लाइमन सीरीज की और बार्मर सीरीज की आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे आपसे पूछ लिया, फाइंड लैम्डा 2 लाइमन एंड लैम्डा 1 बार्मर सीरीज, तो इसका मतलब क्या है आप समझे। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइमन सीरीज में मतलब इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर आ रहा होगा, 1 पे आ रहा होगा, पहले सेल पर आ रहा होगा, लेकिन वो कहां से आ रहा होगा, ये लैम्डा 2 मतलब सेकंड वेवलेंथ। अच्छा सेकंड वेवलेंथ यहां पर दी गई है, तो इसका मतलब जो अपर सेल रही होगी हमारी कौन सी रही होगी, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ध्यान रखना कि जो भी हमारी अपर सेल होती है वो N1 प्लस जो लाइन का नंबर है वो होती है, ठीक है। तो अगर N2 हमें निकालनी है तो N1 हमारी कितनी दी गई है, लाइमन के लिए N1 कितनी होती है, 1, और लाइन नंबर 2 तो आंसर 3, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा होगा आपका 3 से लेकर 1 तक, क्यों, क्योंकि लाइमन है। इस वाले केस में ट्रांजिशन 2 पर आ रहा होगा, लेकिन कहां से आ रहा होगा, पहली वेवलेंथ, मतलब इसका क्या हुआ कि आपकी जो इसमें जब आप ऐड करोगे तो 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, मतलब 3 से 2 पहली वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ, ऐसे ही लास्ट वेवलेंथ क्या होती, इन्फिनिटी से 1 तक और इसमें इन्फिनिटी से 2 तक। ऐसे ही आपसे पूछा जाता मिनिमम वेवलेंथ तो वो आपकी लास्ट वाली ही होती है, मैक्सिमम पूछी जाती तो वो आपकी पहली वाली ही होती है, यानी कि ये आपकी यहाँ पर जो हो जाएगी ना, ये बार्मर वाली, ये आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ है बार्मर सीरीज की। अच्छा इसको सॉल्व तो कर लेते हैं, ये तो चलो कहानी हो गई। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है, जो आपकी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बताया है, 912। अब क्योंकि जेड स्क्वायर लेने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो एक ही है, तो जेड स्क्वायर हटा देते हैं। अब N1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, N2 स्क्वायर है ना अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 9 में से 1 गए तो 8 बचे, तो आपका अपॉन में 912 है ना, और इधर आपका N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर है ना, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 9 में से 4, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, तो आपका यहां से आंसर आप इसको काटागुटी कर लो, 912 से 912 गया, तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 9/8, नीचे बचेगा हमारा 9×4 मतलब 36/5, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, दैट शुड बी 9×5/8×36, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5/32, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को अब कर पाओगे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, आप करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ऐसे इन बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन यार मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, बहुत कुछ हमारा हो चुका है। अब इसके बाद की जो चीजें हैं वो भी अभी बहुत सारी बची हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा पार्ट हो चुका है, तो मैं सारी चीजें आपको बची हुई चीजों को नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब जो पोर्शन बचा है वो केमिस्ट्री वाला बचा है, यानी कि आपके जो आपके सेल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में डिस्कशन, ठीक है, या ऑर्बिट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन, या हंस रूल, ठीक है, या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स वगैरह जो फिजिक्स के पोर्शन में नहीं आते हैं केमिस्ट्री में है। तो बेसिकली आपसे अगर आपको वो चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट है, मतलब आप कमेंट में बता दें मुझे कि आपको वो वाली वीडियो चाहिए। अगर चाहिए आपको केमिस्ट्री वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका रिमेनिंग पोर्शन, तो डेफिनेटली आई विल मेक फॉर यू और डेफिनेटली आपकी हेल्प बहुत होगी और आपको मजा आएगा, ठीक है। चलते हैं यार, आपको उम्मीद है कि आपको ये मेहनत जो है आपके लिए कुछ हेल्पफुल फ्रूटफुल रही होगी, और आपने अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे, और आपने शेयर कर ही दिया होगा अब तक तो एटलीस्ट 10-20 लोगों पे तो कर ही दिया होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह वगैरह पर,
तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे इतनी, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा और अपने सारे दोस्तों तक अपनी वीडियो पहुंचा दी होगी। और अगर आपका कोई छोटा भाई है, कोई आपके रिलेशन में फैमिली में है, या फिर अगर कोई ऐसा बच्चा है या आप, या फिर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये वन शॉट या फिर ट्रिक्स वाली वीडियो, इन सब में टाइम देने की जगह पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए पूरे पूरे लेक्चर्स को देखने में, जिससे आप भरपूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा पाओ, सारे कॉन्सेप्ट सारी ट्रिक्स को सीख पाओ अच्छे से, और बच्चों से कहीं ज्यादा स्कोर करो। क्योंकि जो औरों को आता है वो आपको आना चाहिए, और जो दूसरों को नहीं आता वो भी आपको आना चाहिए, तभी आप रैंक ला सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। इतने बड़े कॉम्पिटिशन में 10-12 लाख बच्चे पेपर देंगे, नीट हो चाहे जेई, हर केस में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक समझ पाए होंगे इस चीज को, ठीक है। तो आप जो है एनरोलमेंट ले सकते हो मिशन 2020-21 में, या फिर आप जो है, आपको कुछ नहीं आता है तो आप जो है डू और डाई वाले कोर्स को भी कर सकते हो, अगर आप अभी पेपर देने वाले हो। अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे मिशन में 2020 और 2021 में, जहां पर आप जो है अलग अलग जो है सारी चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें आपको सारे लेक्चर, सारे नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा वेरियस आपको हेल्प पूरे साल दी जाएगी, पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी, ठीक है। चले मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में पार्ट टू देखेंगे अगर आपने रिक्वेस्ट करी तो। अदरवाइज नॉर्मल जो वीडियोस हैं हमारी, जो सीरीज चल रही हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन आने वाला है अभी नया, ठीक है, और ऐसे आईआईटी एडवांस के लिए भी बहुत कुछ आने वाला है, तो ऐसी ही चीजें करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ।